हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन स्कूल, जहां पर मैं और आप मिलकर बनाएंगे टेस्टी डिशेस और शेयर करेंगे हमारी कुकिंग जर्नी। दोस्तों, जब भी घर पे हम कोई पार्टी या फिर गैदरिंग रखते हैं, वेज स्टार्टर बनाने के लिए बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल सी रेसिपी जो है अनियन रिंग्स की, वो लेकर के आई हूँ, जिसे हम घर पे ही अवेलेबल चीजों से बनाने वाले हैं और इसमें जो ब्रेड क्रम्स हम यूज करेंगे वो भी हम घर पे ही बनाने वाले हैं, जिसे आप काफी टाइम तक बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अनियन रिंग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। आप चाहें तो आप रेडीमेड ब्रेड क्रम्स का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर ब्रेड के स्लाइसेस थे, जिससे मैं ब्रेड क्रम्स बना के इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, ब्रेड के स्लाइसेस को हम तोड़ के एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। आप इस तरह से आराम से घर पर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और इसे स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसे ब्लेंड कर लेना है। अब यहाँ पे एक पैन लेंगे और जो ब्रेड का पाउडर हमने बनाया था, इसे लो फ्लेम पे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। तो आप इसे इस तरह से फ्राई करते रहिए, तो ब्रेड का जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा और ये काफी क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे ये काफ़ी क्रंची लग रहा है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो अब हम अनियन रिंग्स के लिए अनियन को कट करेंगे। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अनियन रिंग्स बना रहे हैं तो इसमें बड़े साइज़ के प्याज का इस्तेमाल करें, ताकि इसमें से जो रिंग्स निकले वो काफ़ी बड़े हों और आपके अनियन रिंग्स काफ़ी सुंदर दिखें। ये देखिए, इस तरह से अराउंड 1 सेंटीमीटर थिक रिंग्स हमें निकालनी है और इसे इस तरह से धीरे धीरे अलग कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जो छोटा वाला पीसेस है वो यूज़ नहीं करूँगी, जो बड़े बड़े रिंग्स हैं उसी का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब इन सारे अनियन के रिंग्स को हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। अब इसकी हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम इक्वल अमाउंट ऑफ मैदा और कॉर्नफ्लोर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा और 1 कप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अब इसमें जाएगा आधा छोटा चम्मच गार्लिक पाउडर, थोड़ा सा क्रश पेपर, या फिर आप पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और एंड में थोड़ा सा सॉल्ट। अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक सेमी थिक बैटर हम रेडी कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा मोटा नहीं करना है या फिर ज़्यादा पतला नहीं करना है। अगर हम इसे ज़्यादा मोटा करेंगे तो ये अच्छे से कोट नहीं होगा अनियंस के ऊपर, और अगर हम इसे ज़्यादा पतला कर लेंगे तब भी ये अच्छे से कोट नहीं हो पाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप इसी तरह की कंसिस्टेंसी इस बैटर का रखें। तो अब अनियन रिंग्स को छानने के लिए यहाँ पे तेल गरम करने के लिए चढ़ा लेंगे। तो जब तक यहाँ पे तेल गरम हो रहा है, हम सारी जो कोटिंग है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अनियन लेंगे और इसे जो हमने बैटर रेडी किया था उसमें इस तरह से डिप कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ब्रेड क्रम्स को कोट कर लेंगे। ये देखिए, एकदम हल्के हाथ से इसे इस तरह से कोट कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बस आप इसे कोट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो चुका है। अब इस तरह से बाकी सारी जो अनियन रिंग्स हैं हमारी, हम उसे भी कोट कर लेंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे जो अनियन रिंग्स हैं वो अच्छे से कोट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने जो तेल गरम करने के लिए चढ़ाया था वो भी काफ़ी अच्छे से गरम हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके अनियन रिंग्स को डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप जब इसे फ्राई कर रहे हैं इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई ना करें, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएगा लेकिन अंदर से अच्छे से कुक नहीं होगा। और यहाँ पे फ्लेम ज़्यादा लो मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये काफ़ी तेल पिएगा और काफ़ी ऑयली ऑयली लगेगा जब आप इसे खाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे अनियन रिंग्स बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे मेयोनेज के साथ या फिर अपने पसंद के सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में दिए हुए बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हमें आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे।